ஹரி கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம் 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 ஹரி ஹரி. தினாங்க 1 டிசம்பர் சுக்ரவார் கா தின், பகவத் கீதா ஜான் மே ஆப்கா ஸ்வாகத் ஹை. பிரிய பக்தோ, ஆப்கே அச்சே அச்சே கமெண்ட்ஸ் முஜே மிலே, முஜே பஹுத் குஷி ஹுயி. சலோ தேகோ, கிஸ் சீஸ் கா ஜப் பரிணாம் ஆதா ஹை தோ உஸ்கே பீச்சே மெஹனத் கர்னே கி இச்சா ஹோதி ஹை. சலோ, பகவத் கீதா ஜான் ஆப் சுன்தே ஹோ, உஸ்கா பரிணாம் ரிசல்ட் அச்சா ஆயா, ஹஜாரோ லோகோ கே மெசேஜஸ் ஆயே. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். ஓர் ஹா, இஸ்கே பீச்சே மெஹனத் கர்னே கி இச்சா ஹோகி. ஏக் மேரி ரிக்வெஸ்ட் ஹை, அன்ய லோகோ தக் பகவத் கீதா ஜான் பஹுஞ்சாஓ, முஜே பஹுத் குஷி ஹோகி. கிசி கா பலா ஹோ, கிசி கோ கீதா சமஜ் மே ஆயே. மே ஃபிர் சே 13வே ஸ்லோக் பே சர்ச்சா கர் ரஹா ஹூம். படா அச்சா ஸ்லோக் ஹை, படா அச்சா ஸ்லோக் ஹை, பஹுத் அச்சா. தியான் சே சுனோ. பகவான் நே கஹா ஹை கி யே 4 வர்ண மேனே பனாயே ஹை, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र. अब आप समझना, इस श्लोक में क्यों 4 दिन से समझा रहा हूं, क्योंकि हरेक की अपनी अपनी ड्यूटी है, हरेक का अपना अपना कर्तव्य है, लेकिन सबके कर्तव्य सेवा ईश्वर के लिए होगी, धर्म के लिए होगी. अर्जुन क्षत्रिय है, भगवान उसको उसका धर्म सिखा रहे हैं. अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है. यही अगर अर्जुन ब्राह्मण होता तो भगवान थोड़ी बोलते युद्ध करो, ब्राह्मण को थोड़ी युद्ध करनी है. लेकिन एक बात सुन लो, अगर किसी कोई ब्राह्मण है, मान लो अगर कोई ब्राह्मण, मान लो भगवान न करे न करे न करे किसी ब्राह्मण की पत्नी को, या कोई वैश्य है, व्यापारी है, उसकी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, या उसका सोना हाथ का लूट रहा है, तो उस वक्त तो फिर इंसान को अपना कर्म करना है. जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे और एक नारीशाला चलाते थे. उनकी दो नारीशाला की स्त्रियां किसी काम से बाहर गई, लेकिन शाम को लौटते लौटते, यानी देर हो गई, थोड़ा हल्का सा अंधेरा हो गया, और एक मनचला व्यक्ति उनके पीछे पड़ा. लेकिन ये डर गई, और कैसे तो भी दौड़ के चल के वो महात्मा गांधी जी के पास आई. उस वक्त महात्मा गांधी जी सभा में बैठे थे, शाम की उनकी सत्संग प्रवचन की सभा होती थी ना, और हमेशा गाते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. आज का कोड वर्ड है सीताराम. तो जैसे ही सभा पूरी हुई तो स्त्रियां डरी हुई थी. महात्मा गांधी ने बापू ने पूछा, क्यों डरी हुई हो? सारी बात महात्मा गांधी को बताई. गांधी जी ने कहा, बापू ने कहा, अरे फिर उस मनचले को क्यों नहीं चाटा मारा, जोर से मार दी? अरे बापू, आप तो अहिंसावादी हैं, आपको तो कोई कहते हो कि एक चांटा मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे दो, दूसरा चांटा मारने के लिए. कहा, कहा अहिंसावादी बनना है, कहा हिंसावादी बनना है. तुम्हारी इज्जत पे आई ना बात, तो तुम्हें मारना चाहिए था, मां तुम्हें दंड देना चाहिए. वहां फिर अहिंसावादी नहीं चलेगा. अरे पूरा जीवन अहिंसा पे चलने वाले महात्मा गांधी जी, लास्ट में उन्होंने भी तो कहा, करो या मरो, डू और डाई, नॉट से वाई. सब चाहिए मेरी बात को, हर एक को अपना धर्म निभाना है. लेकिन जब कहीं आन पड़े कोई मुसीबत, तो फिर तो थोड़ा करना पड़ेगा. बाकी मैं झगड़ा नहीं सिखा रहा हूं. मैंने क्या कहा, आपातकालीन में जब कोई आपत्ति आए और हमारे घर के ऊपर कोई मुसीबत आए, तो कहीं डांटना पड़े तो डांट सकते हैं, समझाना पड़े तो समझा सकते हैं. साम दाम दंड भेद. बाकी हमें देखो, एक चीज बताऊं, मैं आपको एक बताऊं, हाथ जोड़ने से 100 काम हो जाते हैं. किसी को भी ना हाथ जोड़ना बहुत अच्छी बात है, आपका न होने वाला काम हो जाता है. हाथ जोड़ना जरूरी है,
हमारे सिंधी समाज के एक संत थे साईं कंवरराम साहब, उनका आप जो भी मूर्ति स्टैचू पुतला देखो तो हाथ जोड़ के खड़े। वो कहते थे हाथ जोड़ने से तुम्हारा काम हो जाता है। हर एक को अपना धर्म निभाना है, आप भी निभाइए, मैं भी निभाऊं। धन्यवाद। और दिल्ली वालों, बापू जी सरकार 9 और 10 दिसंबर आ रहे हैं ना, शाम को 5 से 7 बजे सत्संग है 9 और 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर को संडे है, सुबह में भी सत्संग है और महाप्रसाद भी है। मैंने हाथ जोड़ के बापू जी को मनाया है। दिल्ली वालों प्लीज आप बापू जी के सत्संग अटेंड करना, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके बापू जी को मनाया है, आपके लिए टाइम लिया है, तो आप जरूर आना, ठंड वंड का बहाना नहीं चलेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।